टप्पर नदी आएगी ना, ये पुल बह सकता है। हर डॉन काले शीशे करके चलता है। फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, पतीला खाली करने की जिम्मेदारी सत्यम भाई की रहती है हमेशा। अच्छा मालों का पूरा फायदा उठा रहे हैं, कभी भी हाथी आ सकता है किसी भी मोड़ पे। गाँव जा रहे हैं हम, गाँव लड़खड़ाता हुआ जाम ढूंढ रहा हूँ। स्वागत तो करो हमारा। पतीला ऐसा ला रहा है, शादी होगी इसके। है भाई शादी तुम्हारी? तो गाइस आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश के वादियों में। तो हमारा प्लान ये है कि हम गोवा बीच जाएंगे, मैगी वगैरह बनाएंगे, थोड़ा नहाएंगे, बाकी उसके बाद शाम होगी तो हम होलिका दहन और गंगा आरती देख के होली का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। गाइस वी हैव गॉट स्पीकर, पतीला, पानी। वी आर एट पेट्रोल पंप और पेट्रोल का ढकना खोल दिया है। 800 रुपए का पेट्रोल भर रहे हैं हम। अभी हमें गोवा बीच पे आना है, ऋषिकेश वगैरह, तो पता नहीं कितना लग जाए, तो हम भरा ही रहे हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा भी चलेगा तो चलेगा। अब हमें भरनी है हवा, और यहाँ मतलब वो आदमी नहीं है जो भरता है ना, तो विवेक भाई को हम इसी ले लाए हैं, बस यही समझ ले तुम। हो गया भाई, विवेक भाई तो वो ब्लू शर्ट में ऐसे लग रहे हैं, भरने वाले लग रहे हैं, लोग रुक रहे हैं। गाँव जा रहे हैं हम, गाँव। भाई क्या वैंकर बन गए है ना। तो भाई और थानो रोड बन चुका है ये वाला ब्रिज, फ्लाईओवर। पहले तो यहाँ नीचे से होके जाते थे हम, अब फ्लाईओवर बन चुका है पूरा। यहाँ साइड में चलने के लिए बीच में रोड है और भयंकर नजारा है भाई। जब पर नदी आएगी ना, ये पुल बह सकता है, तो भाई संभल के चलाना, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं भाई पुलों का भाई आज के जमाने में। तो सत्यम भारती का फोन खराब हो गया था। सत्यम भारती को किससे बात कर रहे हैं? दद का फोन टपा लिया उसने, अपना फोन उसने खराब कर दिया। बदमाश है, ऑफिशियल बदमाश है। इसके करवा ब्लैक से जाट ब्लैक नहीं करने भाई। यहाँ पे एक एकेएम बनवा ले। अच्छा एकेएम, अब पिक्चर लिखवा ले हिंदू। अच्छा और फिर उसके बाद रोला, मैं तो करवाने वाला हूँ इसकी बात तो बताओ। मेरे को ना जाट ब्लैक छपरी है भाई। हर डॉन काले शीशे करके चलता है। कौन सा डॉन चल रहा है आजकल बताइए जरा। देखो जरा, कोई डॉन नहीं चल रहा, पुराने जमाने की बात थी सच्ची में। खुल रहे 10 रुपए? हाँ मेरे पे। चल ठीक है, मजा आ जाएगा। तो गाइस हमें एक ढोल वाला मिला है, वो पीछे छूट गया है, अब हम उसके पास जाएंगे। तो फिर अब हम पीछे मोड़ रहे हैं और भाई से ढोल बजाएंगे 10 रुपए में। भाई जी बजवा दो, बजवा दो। आप मेरा कुछ घस्ताना, बाला वाला की मैं सड़कों का मस्ताना, बच्चे ओ बच्चे मेरा गलियों में बचता नाम। गाइस हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के ट्रैफिक में। भाई यहाँ अंधा जाम हो रखा भाई, ऐसे तो हम पहुंचने से रहे। अभी हमें यहाँ से एक घंटे का रास्ता और ट्रैवल करना है। यहाँ ना फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, मतलब होली का त्यौहार है तो सब आ रहे हैं भाई बाहर से ही। शौक है भाई वो फॉरेन से यहाँ होली खेलने आने वालों। अब हमें हमारा प्लान ऐसा है कि हम एक अच्छा सा बीच ढूंढेंगे ना, ऐसे जो हमें नीचे जाने में सही लगे, गाड़ी भी वहीं डाल देंगे, मतलब बीच तक पहुँचा देंगे। लड़खड़ाता हुआ जाम ढूंढ रहा हूँ, सूरत से मुखातिब मैं वो शाम ढूंढ रहा हूँ। चम्मच लाना है, कोल्ड ड्रिंक लानी है और मैगी ले लेंगे और चिप्स वगैरह भी रख लेते हैं। तो गाइस यहाँ से ले रहे हैं हम, क्योंकि आगे बीच के पास बहुत महंगा मिलेगा। तो भाई यहाँ काट रहे हैं व्यवस्था शुल्क 40 रुपए की पर्ची और 40 तय बजा की। भाई कुछ वो ही नहीं है भाई, पर्ची तो दिखाना एक बारी अपने गांव में भी आने के लिए। ये है पर्ची, बताओ भाई कहीं भी चले जाओ टैक्सी बना देंगे। तो भाई हम पहुँच चुके हैं पटना वाटरफॉल। यहाँ से पटना वाटरफॉल का ट्रैक जाता है ऊपर और हम इसी के नीचे की साइड जाएंगे बीच के पास। गोवा बीच से बैठा रहे हो सत्यम भाई जी ने ढूंढ रहा है, वो गाड़ी ले सकते हैं वहाँ नीचे तक। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं गोवा बीच के रास्ते में, एंड यहाँ से लेनी है नीचे और यहाँ रखे फॉरनर्स लोग। गाइस देख सकते हैं पूरा सामान यहाँ पर है, पूरा सामान है। तो गाइस 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 तो भाई हमें यहाँ देख लो चारों तरफ कैसा वातावरण है, भयंकर सीन है। तो हम जा रहे हैं बीच की तरफ और गाड़ी हमने ऊपर लगा दी है, इससे आगे गाड़ी धस रही थी भाई, बिल्कुल ही धस रही रेत में। तो हम अब जा रहे हैं मैगी बनाने रिवर साइड, जल्दी बनाते हैं, उसके बाद शाम को हमें निकलना है यहाँ से और फिर आपको शाम को दिखाते हैं ऋषिकेश में होलिका और गंगा आरती। भाई यहाँ बहुत सारी रिवर राफ्टिंग हो रही है, भयंकर ही फ्लो है भाई और मज़ा आ रहा है देखने में। हम चढ़ रहे हैं बिल्कुल ऊपर पहाड़ों में, ये कैसे पहाड़ देख सकते हो आप। अब हम जा रहे हैं ऊपर लकड़ियाँ लेने, भाई बहुत खुश है वहाँ रिवर राफ्टिंग करने में। अब ये बोट पलट जाएगी उनकी तो फिर हादसा हो जाएगा। तो गाइस
12 पैकेट मैगी, इतना सारा कचरा, ये सब हम जला देंगे अभी। बाकी हमारा चूल्हा रेडी है, इसका ढकना ही नहीं लाया भाई, वो ऐसे पानी उड़ जाएगा सारा। तो वैसे हमारा ना चिकन बनाने का प्लान था, पर आज ट्यूसडे है और ऋषिकेश में भी हम तो यहाँ सही नहीं लगता इतना, तो हमने मैगी का ही डन कर दिया। बाकी अब बनी गया है, करते हैं कोल्ड ड्रिंक भी ला रखे हम, तो कमाल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। इन कोल्ड ड्रिंक को हम डुबा रहे हैं पानी में ताकि ये ठंडी रहे, यहाँ गड्ढा करके ये डुबा दे गाइस, अगर ये बह गई सोचो क्या होगा। ऐसे करते काम, तभी विवेक भाई को लाए हम। अच्छा, आर्यन को तो हम लाए खाना बनाने के लिए क्योंकि भाई ने अच्छा किया है, और विवेक भाई आएंगे पहाड़ी बंदे, बिल्कुल सारा काम कर देते हैं भाई वो। मैं बैठ के बस वीडियो बनाता हूँ, मेरा काम यही है। अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सत्यम भाई बैक ऑन द ट्रैक। पतीला खाली करने की जिम्मेदारी सत्यम भाई की रहती है हमेशा। सत्य में विजय थे। अच्छा, सत्य में विजय थे। अच्छा, बचपन में देखा प्रोसेको है, मिट्टी के टीले बनाए नो लेगो। जिस स्पॉट पे हम आ रहे हैं ना, वहाँ के पहाड़ देखो, यहाँ से हम ऊपर से लकड़ियाँ ली है और वो ऊपर तक जा रहा है, टॉप तक पहाड़, भयंकर कितने ऊंचे पहाड़ है। तो गाइस हम एचएम वालों का पूरा फायदा उठा रहे हैं, जिस हद तक हम उड़ा सकते हैं उस हद तक उड़ा देते हैं। ये है बैराज रूट। तो भाई ये है बैराज रूट, और यहाँ से हम ऋषिकेश मेन मार्केट जा रहे हैं। और भाई यहाँ हाथियों का बहुत खतरा है, यहाँ कभी भी हाथी आ सकता है किसी भी मोड़ पे, पत्थर के रूप में खड़े रहते हैं किसी कोने पे, हमें लगेगा पेड़ों की तरह बन के रहते हैं, चट्टानों की तरह ऊंची उनकी। पीछे वाले लोग सहम के बैठे हैं। तो गाइस वी हैव गॉट होलिका दहन फाइनली। भाई हमने इतनी घाटों में पूछा, इतनी जगह पूछा, अब जाके हमें फाइनली होलिका मिल चुकी है। अभी जली नहीं है अभी, तो रुकते हैं, देखते हैं कब तक होगा। जब तक नहीं जलेगी तब तक यहीं रहेंगे भाई हम। पुलिस वाले भी घूम गश्त पे लगे हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। अब हमें बातों से डर लगता नहीं, लगता नहीं।